चल 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 बचाओ, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। ये मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। अरे क्या बचाओ बचाओ, सुन अब तू हमारे साथ अकेली है, कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। सच? ओ बचाओ। हंस रहे हो दांत निकाल के? क्या तुम में से कोई मर्द नहीं है जो मुझे बचाए? अरे कहाँ गया वो जब्बारियों का नया दौर? कर, मैं तुझे बचाऊंगा। अरे उसको मुझसे नहीं, मुझे उससे बचाओ। बचाओ। तो तुम आए जा हम को मारेगा है? कौन है तुम? मैं जब्बाड़ियों का नया डॉन। सेम टू यू। हम अफगानी का बहुत बड़ा डॉन। तुम वही है ना जिस भी लड़की से पूछो तो तुम्हारा रिपोर्ट बहुत अच्छे निकलते। अरे हमारा अफगान में आओ, लड़की क्या लड़के से भी पूछेगा तो हमारा रिपोर्ट बहुत अच्छा निकलेगा। मेरे इलाके में आओ, लड़कियों से पूछो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, साथ में एक बच्ची भी मिलेगी। अरे बच्ची छोड़ो, मेरे बच्ची की माँ को तो देखो। बचाओ बचाओ बचाओ। ले, तुमने मुझे पहचाना नहीं? रामू मैं तुम्हारी लीलू। रुको एक मिनट, करके बताना पड़ता है। तुझे भी यही मिली थी उठाने के लिए। हम पर चिल्ला रहे तू? तुम हमको जानते नहीं? आओ हमारे अफगान में, हमारा छह छह गर्लफ्रेंड है। सिर्फ छह क्यों? संडे को ऑफ है। नहीं संडे को हमारा साला था। मतलब हम लोग शतरंज खेलते हैं। थोड़ा हाथी बाजी। समझ गया ना? अरे क्या बात है, तुम तो हमारा मूड बना डाल। आओ आओ हमारा ऊंट पे बैठो। एक मिनट, हम लेते हैं इसको। उठ साला। आओ हम तुमको अफगान लेके चलेगा। नहीं नहीं, मेरे लिए मेरा हाथी काफी है। नहीं, आओ ना, आओ आओ। हमारे अंदर का जानवर को जगा डाला है। एक काम कर, जल्दी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं। अरे तुम्हें तमीज है? किससे बात कर रहे हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये तुम्हारी लीला। मुंह लग गया वो लीला। लीला नहीं, तू लाला लग रही है। तेरे साथ काम ना करूं मेरी पिक्चर का नाम राम लाला हो जाएगा। क्या? देखो फिगर पे मत आना, मैं ट्रिगर दबा देती हूँ। और मैं दबाती नहीं, तोड़ ही देती हूँ, समझे? दबाने का बड़ा शौक है। जजेस के पैर दबा, शायद तुझे सीजन जितवा दे। फिर इसका छोड़ो, चलो ना हमारे। कृष्णा और भारती के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। राम, लीला, मैं वापस आऊंगी। राम, हम पैकअप के बाद मिलेगा। वेलकम टू बिंगो यामी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली। बच्चों की लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं भारती एज गोलू, सिद्धार्थ एज अ चाइल्ड एंड अनुष्का एज वेरियस कैरेक्टर्स। देखा अर्चना जी, कितना बदतमीज हो गया है। इसके साथ के बच्चे उसी स्कूल में टीचर बन गए, लेकिन ये अभी भी उसी क्लास में। सर चलते रहो ना, एक दिन जज बनेगा। सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सी और बच्चा इतना बड़ा कैसे। वो क्या है ना, मैं भी पहले ऐसी थी, पर जब ये हुआ ना मैं खाली हो गई। देखो अरबाज जी, आपको पता है जब ये 3 साल का था तब इसने अपने बाप से कहा, पापा घोड़ा बनूं, मैं अब भी बैठना चाहता हूँ। ये उन पे बैठा, पापा कारपेट। सोनाक्षी भैया के साथ काम करके कैसा लगा? ए, बोलो ऐसा नहीं कहते।
पढ़ाई में ध्यान दे, समझा? ठीक है, जाओ, अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। हाय गोलू। गुड वन। कल क्यों नहीं आया था तू? मेरी भैंस बीमार थी। हाँ तो ऐसे बच्चे देगी तो भैंस बीमार ही होगी। तेरा बैग कहाँ है? वो तो मैं खा गया। बैग में मैथ्स की किताब भी होगी, उसमें सुबह सुबह जब तेरे अलजेब्रा के सवाल अटकेंगे ना, तब पूछूंगा कौन सा जवाब आता है। जो हम क्यों पढ़ाई की बातें कर रहे हैं यार, हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि कोई भी तीसरा बंदा आके तोड़ ही नहीं सकता। सही बात है। हाय, आई एम मेहर। मेहरबानी। कितनी खूबसूरत हो आप मेहर जी। ये लो गिफ्ट। नहीं चाहिए। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। ठीक है, दे दो। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तो चॉकलेट दूंगा। मेरी बन जाइए, मैं आपको टॉफी दूंगा। नहीं, रणवीर से केक के बदले में बात हो चुकी है ना ततड़ ततड़। गरीबों की किस्मत में प्यार ही नहीं होता। बोलू एक बात कहूँ? बोलो मेयर। तुम बहुत स्मार्ट हो। आप क्या बैठ के ताली बजा रहे हो वहाँ पे? मना नहीं कर सकते थे? सॉरी, इसके बैग आवे में आके मैं थोड़ी बैग गई थी। देखा, अब ये मेरी है और मेरी रहेगी। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता, प्यार का मतलब पाना होता है। पाना? नौ नंबर की दस नंबर। मजा आ गया। मुझे इससे बचा लो गोलू, मुझे ऐसी उम्र वाले के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी। नहीं मेहर, हटो पीछे। मेहर तुम मेरी तकदीर में नहीं हो, और आज के बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। हेलो दीपिका, आर यू अवेलेबल? या बेबी, आई लव यू। अब देख मैं क्या करता हूँ। तू पागल है क्या? इतना क्यों चिल्ला रही है? बैग ही तो ले रहा हूँ। बचाओ, 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 बचाओ। माउस जब्बा योगा नया दोन। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेहर जी को हाथ लगाने की? बस बहुत हो गया, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अब हाथ लगा के बता। मेहर जी आप ठीक हो ना? जबारियों के नए डॉन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इट वॉज फैंटास्टिक, लाफिंग स्टार्ट टू फिनिश, हंस हंस के पागल हो गए, पेट पकड़ रहे थे, आंखों में से आंसू निकल रहे थे, सुपर्ब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टाइम नाउ फॉर दिस कोर्स। 1, 2, 3 10 पॉइंट्स दोनों जजेस ने आपको दिए हैं। बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10। प्लीज वेलकम सुदेश एज अ गधा, मनीष एज हिज सन, एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। रणवीर क्या बात है, वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस। क्या Thank बात you. क्या बॉडी बॉडी बनाए यार, क्या ये ऑटोग्राफ रणवीर है ना? हद तेरी।
सात साल से परफॉर्म करो, कभी ऑटोग्राफ मांगा मुझसे? चार पिक्चर क्या हिट हो गए, मैंने भी बोल बच्चन हिट दिए, समझा ना? 15% ऑटोग्राफ ले लिया करो यार, क्या बात है। धतर धतर धतर, एक है धतर धतर, एक है खपड़ खपड़, ये है बकर बकर और वो है खबड़ खबड़। अरबाज भाई आप भी कुछ किया करो यार, क्या स्टेप हिट हुआ है यार। Super. लेकिन इस स्टेप से कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि अनुपम जी, राकेश जी कहते हैं हम करते हैं तो चिंगारियां निकलती है। मैंने कहा सर चिंगारियां निकालो, दिवाली आने वाली है, बच्चे लोग देख के बहुत खुश होंगे। लेकिन राजपाल तो सच में बहुत गुस्से में, कहता है मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता यहाँ पे। वो यहाँ पे करता है, इतना सड़ा है, स्टेप इनका यूज करता है, गाने शाहिद के गाता है, मेरे अगल बगल है। लेकिन रणवीर क्या बॉडी बनाई है आपने, बहुत मेहनत लगती है बॉस। ये बॉडी को ऐसे नहीं बनी, शूटिंग पे कुछ नहीं खाता था, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और खाएगा भी क्यों यार, क्योंकि भैया जब भूख और प्यास सीन में ही मिट जाए तो फिर खाना कौन खाता है यार, मतलब अगर चुम्मा चाट हो तो फिर आलू चाट कौन खाता है यार। दीपिका पादुकोण, उनके लिए भी बस जोरदार तालियां, वंडरफुल। इतनी लंबी हीरोइन है, इतनी लंबी कि बुखार भी चढ़ने से डरता है, कहता इतना ऊपर कौन चढ़ेगा यार। आप लोगों को क्या लगता है दीपिका जी आई हुई है? हाँ वो अंदर आते हैं उनका सर दरवाजे में फंस गया वहां पे। लेकिन प्रोडक्शन वाले उनसे भी काम ले रहे हैं, सर पे कैमरा बांध के उनको जिमी जीप बनाया हुआ पीछे। खैर एनीवे मेरे को जाना पड़ेगा, वो संजय जी मेरा वेट कर रहे हैं, उनकी मूछें उधार लाया था मैं। क्या किस्मत है यार, सात साल से हमारी किस्मत में सिर्फ मूछें ही मूछें और इनकी किस्मत में समूचे ही समूचे। रोहित शेट्टी साहब नमस्कार। रोहित शेट्टी नहीं, क्या हो गया, चार फिल्में हिट क्या हो गई, आप तो बदल ही गए हो, सीरियस हो गए, क्या बात, नाराजगी। अरे ये रोहित शेट्टी नहीं, अरबाज खान है। इसका मतलब रोहित शेट्टी जी नहीं है, उन्हीं पे बस हमें आज थी, वो भी कभी कभी गधों को चांस दे देते थे, बोल बचन में कृष्णा को उन्होंने चांस दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी की अरबाजी ये ख्वाहिश थी कि मैं सुपरस्टार बनूं, वो मर के ऊपर जाके स्टार बन गया, मैं नहीं बन पाया, क्योंकि हर गधे की किस्मत में फिल्में कहां, सारे गधे तो टीवी पे बिजी हैं। मेरी बात सुन, अब मेरा बेटा उसको हीरो में जरूर बनाऊंगा, गधे बेटा। ओए आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे, मेरे पास तेरी माँ है बेटे। आप चिंता मत करिए पिताजी, एक साल के अंदर अंदर मैं अमिताभ बच्चन बन के दिखाऊंगा। एक साल में कैसे बन जाएगा, एक साल में व्हाइट दाढ़ी कहाँ से लाएगा तू? पापा मैं तो एक्टिंग की बात कर रहा था। एक मिनट, हमें कार मार्केट में क्या करने आए हैं? बेटे रोहित शेट्टी कार मार्केट में मिलता है। अर्चना जी आप तो जानती हैं, उनकी फिल्मों में हीरो हीरोइन की कास्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना कार कास्टिंग में लगता है, वो यही मिले। आप तो उनकी फिल्म में ट्रक रह चुकी हैं, बोल बच्चन में। पापा मैंने सुना है ना, रोहित शेट्टी सिर्फ अजय देवगन के साथ ही फिल्म करता है। कोई बात नहीं, जब आएगा ना तुम ऐसी गर्दन टेढ़ी कर लेना, ठीक है? कोई बात करे बोलते रहना, झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं, ऐसे बोलते रहना, ठीक है? मेरी बात मानना क्योंकि मैं तेरा पापा हूँ। झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ। आप लोग सोच रहे होंगे रोहित शेट्टी इतना डांस कैसे कर रहा है, सोचते रहो हमने 300 करोड़ कमाया, हम तो नाचेंगे भैया। झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। ये सतीश कौशिक अजय देवगन के डायलॉग क्यों बोल रहा है? नहीं, ऐसी वाणी, मैं गधा हूँ और ये मेरा बेटा है। यही तो प्रॉब्लम है, सारे गधे एक जैसे लगते हैं। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी चीज का कृष्णा फायदा उठा रहा है सर। कल मेरी गर्लफ्रेंड को कृष्णा मिलने चला गया, शक्ल एक जैसी है गधों की, जब इसने कुत्ते वाली हरकत की ना उसके साथ। खबरदार कृष्णा के बारे में कुछ कहा तो तुम लोगों ने, और वैसे भी इसको फिल्म में नहीं ले सकता। क्यों सर? शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई, 300 करोड़ रुपया कमाया मैंने, इसके साथ 300 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरी एक रोमांटिक फिल्म है। अच्छा जी। मैं अपनी फिल्म का सीन सुनाता हूँ। जी सर। अभी बहुत सीरियस हो जाओ, सीन सुना रहा हूँ, जितने फालतू लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। नहीं सर, वो पुरानी जजे बैठे रहो आप।
उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी फिल्म का सैड सीन सुनो। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं गार्डन में, जोर जोर से हंस रहे हैं, और ये वहां खड़ा और भी जोर जोर से हंस रहा है। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर, कि ये सैड सीन और लोग हंस रहे हैं सर। अबे आ गए तो सुन, इतने में गाड़ी उड़ती है ऐसे, उनके ऊपर आ जाती, सब मर जाते, हो गया ना सैड सीन। सर ये क्या सारे मर, कम ऑन, दिस इज आई नो, दिस इज रोहित शेट्टी स्टाइल। नहीं नहीं सर, हमने गाड़ी उड़ के आते। नहीं नहीं, मैं मैंने सोचा सर आपकी कॉमेडी फिल्में बनती है, बच्चा बड़ा। अरे कॉमेडी तो होगी ना मेरी पिक्चर में। हाँ जी जी। कॉमेडी सीन ये है जी, कैसे मैयत है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, इतने में गाड़ी उड़ती है, गाड़ी है। जैसे जैसे गाड़ी उड़ती है उसकी हवा से औरत की विग गिर जाती, देखते सब टकली है, सब हंसना शुरू कर देते। ठीक है सर, पर इसका रोल किधर है उसमें? इसको मैंने विग का रोल दिया। आपकी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे गाड़ी उड़ के ना आए बीच में? अरे है ना। कौन सा? एक किसिंग सीन है फिल्म में। हाँ। ऐसा एक हीरो हीरोइन ऐसा जू बीच पे किस कर रहे हैं। हाँ। एक गाड़ी आके उड़ा देती है। एक मिनट, अभी इसने कहा गाड़ी है नहीं, गाड़ी अब कहाँ से आ गई? अबे मेरी गाड़ी थोड़ी है वो, किसी और की गाड़ी है, कोई दारू पी के आकर ठोक दिया, ऐसा होता रहता है यार। खैर तुम लोग से मिलने नहीं आया, मैं इधर रणवीर से बात करना आया, सुपरस्टार जोरदार ताली, क्या बॉडी बनाया रणवीर यार। जनवरी का एक महीने का डेट खाली है? डन डन अन्ना, डन डन ना, मैं भी खाली हूँ, घूमने चलते हैं ना हम लोग इधर बाहर, घूमने चलते हैं पक्का, क्योंकि फिल्म में तो मैं कृष्णा को ही लेने वाला हूँ भैया, उसका बहुत अच्छा लगता है। तू कमीने, कुछ नहीं कर सकता, हीरो वही बना सकता जो खुद हीरो हो, समझे मेरी बात को, आ जा मेरे साथ। आगे जैकी दादा, अंधे सुधा तेल 250 रुपए किलो, अंधे सुधा तेल 250 रुपए किलो। अरे घुटना हो या कोनी, विराट कोहली और धोनी, सब लोग लगाते हैं अंधे सुधा 250 रुपए किलो। बड़ो हेलो सर, बड़ो अंधे सुधा तेल लगाने का, बड़ो सर, सर माइंड ब्लोइंग तेल है, बड़ो सर। क्या कर रहे हो आप, हमारे घर पे नहीं है जो तेल बेच रहे हो, हम आपके घर पे आए। अरे सॉरी बड़ो, आधा तो पब्लिक देख के अपन चालू हो जाता है यार। अंधेशुदा 250 रुपया अपना बड़ो, इतना आदत हो गया है ना, अपन घर से बाहर जाता है, बच्चा लोग मम्मी को पूछता है पापा किधर गया, बोलते तेरा बाप तेल बेचने गया। तो बड़ो अपना बहुत आयो सर, यू आर वेरी फनी सर। मैं हूँ गदा। हाँ। और ये मेरा बेटा है, ये भी गदा है बड़ो। सर एक बात कहूँ, मैं तो गदा हूँ ही, आपने ये साबित कर दिया बोल के कि ये भी गदा है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको। पागल हो गए तो? सर मेरा बेटा, मैं जितनी मर्जी बेइज्जती करूं, क्या बात कर रहे हैं? बकवास नहीं करना है बड़ो, तेल लेने का तेल। सर ये तेल है कौन सी कंपनी का? ये ठंडू तेल है। ठंडू? अभी आप बोल रहे थे अंधी सुधा तेल। वो तो मैं सुधा को अंधी बोल रहा था। हाँ अरे अपन सुधा को तेल दिया, बोला लगा तेल लगा, मानती नहीं यार आई लव यू बड़ो। अरे सर आप फिक्र ना करो, आपका सारा तेल मैं ले लूंगा। तू अमेरिका है क्या? सारा तेल तू लेगा, मैं शाम तक क्या बेचेगा फिर? क्या करने के लिए आया इधर? सर ये मेरा बेटा है, इसको अपनी तरह बना दो प्लीज। सच्ची में? यस सर। यार बड़ो बोल, अंधी सुधा 250 रुपया, अंधी सुधा सर नहीं, अपनी तरह हीरो। अच्छा अच्छा, सुपरस्टार बना दो। अरे सुपरस्टार बने एक्टिंग आना चाहिए बड़ो। एक्टिंग सर, एक मिनट, आइए सर, बेटे राजकुमार हो जाए, आ जा जानी। साला कौन से जिले का राजकुमार है ये? नहीं सर इसकी आवाज ना अभी ज्यादा खराब नहीं ना, इसलिए निकली नहीं। बेटे शत्रु शत्रु। ए किरण आ काका, किरण किरण आ। हेलो पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तो इतना बड़ा आदमी बार बार तेरे को आगे इधर मारेगा मीना तू? साला ये तो शाहरुख का आवाज निकल रहा है, शत्रु बोलता है। सर ये सुपरस्टार बनेगा तो इसको टक्कर शाहरुख ही देगा ना, इसके लिए तो वही हुआ ना शत्रु। फिर मेरी बात सुनो बेटे, सलमान सलमान। तो कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि मैं अपनी शर्ट उतारूं? आइए सर। साले क्या भगा, निकलो इधर से तुम लोग बड़ो। नहीं नहीं नहीं, क्या टाइम कोड़े करता है अपने, वो 3 बत्ती जाना बड़ो। सर देखो हम बड़ी आशा लेके आए आपके पास। आशा बड़ी किधर से, बड़ी तो लता है। आपकी फिल्म आई थी तेरी मेहरबानियां, उसमें कुत्ते को मौका दिया था आपने, ये तो फिर भी गदा है। अरे ब्रो कमाल करता है यार बच्चा, कुत्ते का बात अलग होता है।
क्यों क्या अलग होती, बाहर जाके देखो सारे कुत्ते एक जैसी बातें लिख लिख के दे रहे हैं हमको राइटर, जाके देखो सवाल कर रहे हो कुत्ते की बात लगती है। एक मिनट सर, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घुटने बहुत दर्द कर रहे, खड़े हो गए। अरे तो इसका ही तो इलाज अपने पास, अंधी सुधा तेल, बैठो बैठो बड़ो अपन तेल लगाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन देगा आप लोग, बैठ जा बेटे। लव यू रणबीर, गुड जॉब लवली, ये तेल लगाएगा अपन, ये होता है प्यार। नहीं तो कौन करता है आजकल इतनी सेवा, इतना बड़ा सुपरस्टार। डरा मत, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है ये, आपको आपका बच्चा तो टाइगर है सर, ये गधा। अरे तेल लगा बड़ो, अभी अंधे सुधा कमाल देखने का, कमाल करेगा देखो। समझ बेटा। ए क्या हो गया तेरे को? अरे जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर इस एक्ट को बना दिया है आज का बिंगो एक्ट, जोरदार तालियां। After a long time, I want to say that I want to take you home. And after a long time, Krishna, you have to come here because I'm not going to walk here. आप तो चार में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इन पैसों की राइटरों को ज्यादा जरूरत है। पता चल गया जब मैंने बोला ना कि बाहर सारे कुत्ते एक जैसे लिख रहे, आपने उसी वक्त बोला राज ने लिखा। थैंक यू राज, एक बार फिर राज के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब हमारे आज के स्टार जो वहां बैठे हैं, आपके मुंह से जरा सुने, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस? इनक्रेडिबल सुदेश जी, मैं पिक्चर में मूंछ को ताव देता हूँ, आपने पूंछ को ताव देख के क्या किया है आज? हाँ, और अरे क्या बिड़ू, मेरा तो तेल निकाल लिया बिड़ू, कार की तरह उड़ा दिया बिड़ू मेरे को तो। मैं आपका फैन हूँ सर, आपके हाथ का एक झापड़ खाना है मुझे सर। तरह स्कोर्स भी जान ले, जजेस ने दिए हैं आपके साथ को बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10। अच्छा जाते जाते एक चीज रणबीर, मैं आप मेरे मामा जी के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि आप सलमान भाई की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। नहीं यार, मैंने तो कभी नहीं किया। हाँ नहीं, बोले बहुत कमाल कुछ ऐसा करता है। Please welcome Mantra as himself, Jamie as a padosan, and Mubin and Amrita as dabang bache. पूछे हो तो रणवीर भाई जैसी हो यार। वरना ना। आज के डायरेक्टर्स जो उड़ाते हैं, संजय भाई ने अपनी फिल्मों में गुलाल उड़ाया, रोहित शेट्टी साहब ने अपनी फिल्मों में गाड़ियां उड़ाई, रामू ने लोगों का करियर उड़ाया, और अरबाज भाई हमारा मजाक उड़ाते हैं मंत्रा। लेकिन चलो एक्ट पे आते हैं भाई, मेरे को अपनी पड़ोसन दीपिका से बहुत प्यार हो गया है, लेकिन उसका भाई और मेरी बहन ये दोनों बीच में हमेशा अड़ंगी मार रहे हैं, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ अब अगर हम दोनों के बीच में कोई आए ना तो खून की धार बह जाएगी। ओने बे, वे ए जब्बारियों का छोटा डोनू में इस इलाके में नए आए हो लगता है। अरे इलाका कुत्तों का होता है सेठ। हाँ तो तू ही तो भोकता रहता है सबसे ज्यादा। तुझ जैसो का बच्चा नू मैं, अपने बच्चों को पोलियो की दो ड्रॉप जरूर पिलाए और कुछ दिन को जुदाइए हमारे गुजरात में। हाँ बताता हूँ तेरे को भाई, ऐसे चिल्लाना नहीं, मेरे को डर लग जाता है। याद देख दीपिका से मिलने जाओ, उसका भाई अटकाता है, और जब मैं अपने घर में जाके बात करता हूँ तो मेरी दीदी मानती नहीं। दीदी, ओ दीदी, ये दिखने में छोटी है लेकिन हस्ती बहुत मोटी है। इस एक्ट के अंदर ये मेरी बड़ी दीदी है, माँ जैसा प्यार दिया है इन्होंने मुझे। दीदी प्लीज मेरी शादी करा दो। याद है पिताजी ने मरते वक्त एक वचन दिया था? अरे पिताजी ने तो वचन दिया था, मैं तो बहुवचन दे चुका हूँ ना। ये दांत मैंने यूं ही धूप में सफेद नहीं किए हैं। छोटी बहन के छोटी छोटी गुड़िया हैं, उनकी शादी कौन करेगा? एक बार उनके हाथ पीले कर दूं फिर चैन से जाऊंगी नहाने वाटर पार्क। क्या बात, तो मेरा क्या होगा? अच्छा एक बात बता, दीपिका जैसी दुल्हन लाऊं? नहीं, दीपिका बहुत छोटे कपड़े पहनती है, अगर वो मेरे कपड़े पहन ले तो मैं उसके नहीं मानूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो दीदी, ये बताओ होमवर्क किया कि नहीं? क्या पढ़ाई छुड़ा कर खिला पिला कर तुझे इतना बड़ा डॉन इसलिए नहीं बनाया कि तेरे बहन को होमवर्क करना पड़े? जा मुर्गा बना।
ए, मेरी माँ, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो आगे चल के काम क्या करेगी? मैं बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी। मनी तो ठीक, नहीं तो कोई ना कोई परमी तो मिल ही जाएगा। वैसे बात तो सही है, जैसे बिना परमिट के गाड़ी नहीं चलती, बिना परमिट के अनाड़ी नहीं चलती। चलो दीदी। बिंगो चिका, बिंगो चिका, ओ ओ ओ ओ। हाय रणवीर, कैसे हो? पहचाना दीपिका? अच्छा करी हो ना, पापा ने कहा कि बहुत परफेक्ट मत करना वरना कुछ भी हो सकता है। एक मिनट। ये? ए, चिल्लाना नहीं, मेरे को डर लग जाता है, मैं डर जाता हूँ। चलो मुझे गरबा खेलने जाना है। कहाँ है जब्बारियों का नया डॉन? मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। अरे मर्दानगी के बारे में गांव के किसी भी लड़की से पूछ लेना, रिपोर्ट रणवीर की अच्छी मिलेगी। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं करता वैसा। अच्छा मेरे को एक बात बता, बड़ी प्यारी लग रही है आज, हॉट हॉट। ए फिगर पे मत जा वरना ट्रिगर दबा दूंगी। आए हाय, शुभ काम में देरी कैसी? व्हाट इज दिस माय लव, तुम्हारे सीने में तो एक भी बाल नहीं है। हाँ तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर कर रहा हूँ, अनिल का थोड़ी। रोमांस तो तुम्हें करना आता ही नहीं है। रणवीर को देखो, पिक्चर में दीपिका को कितने प्यार से किस किया था। यार मत किया करो यार तुम यार ऐसा यार। कंपैरिजन तुम्हारा क्या, तुम्हारे को तो अनुष्का दीपिका सब सेट है तुम्हारा। नहीं क्या जो छुप क्या रहे हो, जो हो रहा है देखो। मतलब तुम्हारा क्या, तुम डिमांड क्रिएट कर दो, सप्लाई हमको करनी पड़ती है। और कैसे कर लूं सप्लाई, इनको किस करने है? जॉनी अंकल दिखता है मेरे को। ओ, ओ, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। माजी माजी माजी, चुप। ये लड़की कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? जी मैं पढ़ती नहीं हूँ। अनपढ़ लड़की से शादी करेगा तू? ये बोल रही है पढ़ती नहीं है, पढ़ चुकी है। तो एक अच्छी वाली पोयम सुना चल। पोयम पोयम। ओके जॉनी जॉनी यस पापा। जॉनी के अलावा कोई और नाम नहीं आता। तो ये है वो लड़की जिसे तू प्यार करता है? नहीं एक्चुअली प्यार तो मैं किसी और से करता हूँ, पर वो रेडी नहीं थी तो मैंने सोचा इससे शादी कर लेता हूँ, उसमें बड़ी गलत क्या है। अरे सारे कॉमेडियन तो बिजी है, तू अकेला खाली बैठा था। हाँ तूने बहुत बड़ा पंच मार लिया, लोग तो हंस हंस के मर रहे हैं यहाँ पर। अरे तेरी एक्टिंग ही काफी है, जा जा मर्दों के क्लॉडिया। अबे जॉनी लीवर तेरा बाप नहीं होता ना, तू यहाँ नहीं होता। अरे इतने बड़े आर्टिस्ट होकर ओवरलैप करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए मेमोरी की दुकान, जब दो बड़े बात करते हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसी कॉमेडी करते हो इसलिए तो बच्चों से कॉमेडी करवा रहे हो। एक तो सटार का मकान, दूसरा ए मेमोरी की दुकान, ये बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अभी आई हूँ। भाई को अपने पास, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो असली रणवीर मुझे जरूर मिलेगा। हाँ और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे भी मर्द की दीपिका मिलेगी। आएगी। ओह माय गॉड, मेरा प्यार तो झूठा है, मुझे श्रुति से ही काम चलाना पड़ेगा। सबके पास कोई ना कोई सेलिब्रिटी है, पर मैं आम आदमी से ही काम चला लूंगी। चलो अरबाज खान, लेट्स गो। Superb, fantastic. क्या राइटिंग है, क्या टाइमिंग है, फुल एक्ट वॉज फ्लाइंग। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपको, आपके डैडी की फिल्म याद है बाजीगर? Of course. उसमें एक सीन था दिनेश हिंगू साहब के साथ उनका चाय पीते हुए, तो मैं बन जाता हूँ दिनेश हिंगू साहब, आप बन जाइए मिस्टर लीवर साहब। Oh my God. And judges, बताइए आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? This act just deserves it. अरबाज, जजेस ने दिए हैं आपके इस एक्ट को बिंगो यमीटोस टॉप 10। टीचर के प्रेशर से बिंगो यमीटोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं बलराज एंड सलोनी एज किड्स एंड राजीव ठाकुर एज वेरियस कैरेक्टर्स।
अर्चना जी बताए, हम ना ये स्टेप ना नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए करते थे। किसी बड़े हीरो ने ना अपनी फिल्म में डाल लिया, खर्च किया उसने 1 करोड़ रुपया स्टेप के लिए, हम मुफ्त में बाथरूम में करते थे। इन्होंने तो मेरे पापा का स्टेप कॉपी किया है, धबड़ 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 और धबड़ धबड़ का कर दिया है, तड़ तड़ तड़। आपको पता मैं क्या कर रहा हूँ? हमारे डायरेक्टर ने कहा था जो आके ना ऐसा परफॉर्म करना जज हिल जाए। सर जी नहीं मतलब दिक्कत क्या है बताएं आप जरा। नहीं आप बता, आपको सुनाई नहीं देती हंसी मेरी? सर जी आप बताएं कैसे मैटर पे हंसना, वैसा लिखवा लेते हैं बोल के। मतलब आप बता दें आखिरी बार कौन से जोक पे से थे वो बोल देते हैं। मेरी हंसी आप इनसे कंपेयर कर रहे हो ना, इस वजह से कम पड़ती है ना। सर इनकी हंसी की तो हमें मंगल ग्रह से कंप्लेंट आई है। ए इधर आ जा, इधर आ गए। ए वेट 1 मिनट, टीचर आने वाली, टीचर आने वाली, टीचर बस करो पची, एक ही निक्का रह गीली हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी पची। यार 1 मिनट अर्चना जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर में समानता क्या है? दोनों आदमी हैं। फालतू की बातें मत सोचो, अपने काम पे फोकस करो, कल के लौंडे आगे निकल गए आपसे। देखो हमारे स्कूल में कल है स्टूडेंट ऑफ 8 मंथ कंपटीशन, ईयर पता क्यों नहीं, 4 महीने छुट्टियां रहती हैं, जितनी भी तैयारी कर लो जीतना मैंने ही है। लेकिन ये कॉमेडी सर्कस वालों की चाल लगती है मैडम, पता क्या करते हैं, 50 एपिसोड का सीजन रखते हैं, 49 एपिसोड में मुझे थका देते हैं, फिर कहते हैं ठाकुर ने फाइनल में अच्छा नहीं किया, मैंने नहीं खेलना। पाजी मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ पाजी। हाय क्यों? हम इतने गरीब हैं, हमारा कुत्ता भी हमें छोड़ के चला गया पाजी। टीचर आ गए, टीचर आ गए। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्लासमेट द्वारा। अंकल हमारे लिए एक फेवर कर दो। हाँ जी। अपनी डेथ कर लो, हमें छुट्टी हो जाएगी। बड़े बड़ी। हाँ जी। देखो किताबें निकालो, हम पढ़ाई करते हैं। बुढ़ापा पेंशन दी नहीं, किताबें कहां लाऊं, देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। वैसे ना अर्चना जी बात सही कह रहा है हमारा बुड्ढा बड़ी। बुड्ढे बड़ी अगर हम आपको सरकार चलाने का मौका तो आप क्या करोगे? मैंने ना बैंड्रा पे ना 100% टैक्स लगा देना है। 100% टैक्स से उनको टेंशन हो जाएगी। हाँ तो 10% में कौन से खुल खुल के लाफ्टर दे रहे हैं? अगर आप बड़े होकर देश चलाओगे तो कैसे चलाओगे भाजी? मैं सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर अरबाज खान को डिफेंस मिनिस्टर बना दूंगा। क्यों? क्यों भाजी? क्योंकि इनको डिफेंस मिनिस्टर बना के बॉर्डर पे बिठा देंगे, ऐसे करके फिर पड़ोसी मुल्क सोचेगा यार हिंदुस्तान तो पहले टेंशन में, छोड़ो इन पे क्या हमला करना। बड़े बड़ी हमारी टीचर नहीं आई, आप हमें पढ़ा दो। मुझे सब आता, आ जाओ पढ़ो पढ़ो, चलो आ जाओ, बैठो इधर बैठो। A for asthma, B for blood pressure पाजी, C for cardiac arrest पाजी, तो D for मेरी death ही कर दो सालो। F for funeral, G for graveyard में ले जाके, H for happy holiday। रणवीर कैसा लगा आपको ये act? सावला सनोना तेरा ये वाला स्टेप मेरे वाले का एक वेरिएशन लगता है। तीनों थपड़ थपड़ करो तब मिलेंगे। जजेस ने दिए हैं आपके साथ को बिंगो यमी चोज टॉप 10। एक बार फिर रणवीर और रामलीला के लिए जोरदार तालियां। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी लाफ्स? यस सर हंसते रहेंगे आप, आप हंसते रहेंगे, हम हंसाते रहेंगे, यूं ही यहीं पर ओनली ऑन बिंगो यमी टोस प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।